जी हम आ गए, ठीक है, आवाज सबको आ रही है। एक काम करो, साइड में जरा दूसरे फोन पे लगा लो ताकि सबको क्लियर हो जाए कि आवाज आ रही है। आधे टाइम तो यही होता है कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ कि आवाज ही आ रही है। हेलो एवरीबॉडी, भाव्या, अंजलि, प्रत्यूष, जुनेद, आकाश, मीरू, आदि, तन्मय। देखा अंग्रेजी कितनी अच्छी वाली वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं। परफेक्ट, आवाज आ रही है? मैं जरा चेक करवा लूँ ना भाई, यहाँ पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सब जगह। हाँ, मीरू का नाम लिया, रजनी का भी लिया, ये क्या है? आवाज आ रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम कहानी शुरू करते हैं अब, ठीक है जी? ये इसको करते हैं फ्लिप और मैं आता हूं उस तरफ। और ये जो है ना, मैं साथ में अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये एक साथ में रखा हुआ है मैंने, ये मैं साथ में रख रहा हूं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। और चलो अब ठीक है, उंगली आ रही है वो शॉट में, कैमरामैन को साथ में बताते रहना चाहिए। तो ये नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। और एक्चुअली क्या था, आज डालना था वीडियो, ठीक है? फिर हमने कहा यार हर बार वीडियो डाल देते हैं, वीडियो बचा लो, किस दिन बोनस बोनस में चला जाएगा वो। तो आज हम लाइव करेंगे जी, लाइव है। और लाइव में हमने कहा देखो रणवीर, तुमने वो तो किया नहीं यार, वो क्या बोलते हैं उसको, व्रत के बारे में डिस्कशन तो किया नहीं, व्रत का खाना वाना बनाया नहीं तुमने, बना लो। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, और व्रत का खाना बनाने के लिए हो जाइए दादा तैयार। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, भगवान भला करे। ये देखिए, सिंपल सी रेसिपी के लिए बड़ा सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, ये देखिए। जैसे साउंड रोल है ना अभी, बराबर कर दो रोल। ओहो, मेरा ही साउंड नहीं चल रहा, बताइए। साउंड अब रोल हुआ है जी, रोल हो गया साउंड। नमस्कार मैं रणवीर, देखो साउंड रोल हुआ, दोबारा बोलना पड़ेगा ना, नमस्कार मैं रणवीर ब्रार, वैसे करना पड़ेगा। नमस्कार मैं रणवीर ब्रार, आज बनाएंगे व्रत का खाना जी। व्रत का खाना बनाने के लिए आप इन इंग्रेडिएंट से मिल रहे थे, इनका नाम है झंगोरा उर्फ समा चावल उर्फ बार्नयार्ड मिलेट। ये भैया सच्चे साथी हैं, जब कुछ समझ नहीं आता तो ये अपने आप बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊं, ठीक है? चाहे आप घर पे बना रहे हो, चाहे आप ऐसे मेरी तरह यूट्यूब पे बना रहे हो, इज्जत बचाने के लिए जब जब बैंड बजता है तो सबको ये झंगोरा ही दिखता है, झंगोरा उर्फ समा चावल, ठीक है जी? मैंने कहा दो तीन चीजें थी मेरे दिमाग में, पहले मेरे को लगा कि एक काम करता हूं, आज आपको समा चावल की इडली का टिक्का दिखाता हूं। फिर मैंने कहा रणवीर ब्रार, वो टिक्का दिखाएगा तो फिर उसमें तेरे को बेल पेपर डालना पड़ेगा, बेल पेपर व्रत में खाते नहीं है। फिर मैंने कहा लाल मिर्च डालनी पड़ेगी, लाल मिर्च व्रत में खाते नहीं है। तो हर साल की तरह मैंने फिर से एक बार लिस्ट बनाई है, मैंने फिर से एक बार सबसे पूछा कि भाई व्रत में क्या क्या खाते हैं। और उसके बाद जो मिली जुली सरकार मेरे सामने पड़ी है, वो हम सब जितने भी यहाँ पे सरपंच हैं आजू बाजू पीछे उधर देख रहे हैं, वो सारे सरपंचों ने मिलजुल के बोला है कि ये देखो व्रत में ये खाते हैं। अगर आपके यहाँ व्रत में ये नहीं खाते तो सरपंचों की मैं ईमेल आईडी है contact@ranveerbrar, ठीक है? खूब धोना उनको, ठीक है? खुली छूट है। हाँ, 1800 लोग देख रहे हैं। अच्छा अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, कोई नहीं कोई नहीं। ओके, तो ये जो है ना, इनसे मिलो जी, ये झंगोरा चावल है, समा का चावल, झंगोरा, बार्नयार्ड मिलेट। इनको हमने सोक किया है 3-4 घंटे। सोक करने के बाद इसको मिक्सी में लिया है पीस, ठीक है? और जो पीसना है वो इसको पीसना है थोड़ा दरड़ा दरड़ा, ये देखिए, नॉट टू थिक नॉट टू थिन, ये देखिए दाना दाना दिख रहा है ना बस। और अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा समा चावल अंदर डाल दीजिए। देखिए ये बड़ा धोखेबाज इंग्रेडिएंट है, ये जो समा चावल है ना, हमको लगता है कि भाई ये तो बहुत पतला है, जब जाएगा तो ऐसे पानी खींच लेगा और पत्थर बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं है। तो इसलिए ये इसकी मासूमियत पे मत जाइए, आपको लग रहा है कि बैटर बहुत पतला है और ये जो है अभी क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो हमारी वैसे हुई रहती, बेइज्जती से हम नहीं डरते, लेकिन समा चावल के भरोसे जो है ज्यादा टाइट डोज और बैटर मत बनाइए। जब पकता है तो बहुत कड़क हो जाता है, इसकी पानी पीने की क्षमता जो है
बहुत ज्यादा है, बहुत प्यासा इंग्रेडिएंट है। ओके अब ये काम करते हैं, इसके लिए तड़का बना लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर भी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट करी हुई है मेरे लिए। मुझे ये कहा गया कि लाल मिर्च खाते हैं और हरी मिर्च नहीं खाते, सॉरी सॉरी, लाल मिर्च नहीं खाते और हरी मिर्च खाते हैं। तो एक तो ये हरी है और एक ये हरी है, कौन सी वाली हरी खाते हैं वो छोड़ो। अगर हरी मिर्च ऐसे लाल हो जाए, मतलब फ्रेश रेड चिली, तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये भी बड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हैं, बेसिकली हरी मिर्च ले लेते हैं चुपचाप, जो सामने आ रही है उसको चॉप कर लेते हैं। है? मतलब ये वाली लाल मिर्च इसने क्या गलती करी, क्योंकि ये बेचारी पेड़ पे पड़े पड़े लाल हो गई तो हम इसे नहीं खाते। नहीं, जोक सपाट, देखिए जो जो आप खाते हैं आप उसी हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं इसको। मैं जरा बीच में ना थोड़ी देर बाद फोन उठा के और यही पूछने वाला हूँ कि आपके यहाँ नवरात्रों में क्या क्या खाते हैं। अभी नहीं, मैं मेरा फोन वो सेल्फी मोड में आएगा था, फिलहाल के लिए तो हरी मिर्च चॉप कर लो। ठीक है जी, इसके बाद भगवान भला करे, ये मूंगफली खाते हैं, है ना, हल्की सी टोस्ट करके रखी है मैंने, टोस्टेड वाली नहीं यूज करनी, तो ऐसे कच्ची वाली यूज कर लीजिएगा, घर की बात है। टोस्टेड वाली का फायदा क्या है कि मुंह चलता रहता है ना साथ साथ में, थोड़ी टोस्टेड हो। ठीक है जी, टोस्टेड वाली का फायदा, व्रत नहीं है हमारे यहाँ पे ऑफिस में, किसी का व्रत नहीं है, तो इसलिए मैं जूठा कर सकता हूँ, जूठा मत करिएगा। तीसरी चीज जो मैं तड़के के लिए ले रहा हूँ, ये है जी, ठीक है ना, समझ गया ना, काली मिर्च, इसके बीज निकाले कि सारा मेरे लिए छोड़ दिया काम? अच्छा निकाले, पूछना पड़ता ना, लगा छोड़ दिया, और लाइव में शेफ जो है वो बैठ के बीज निकालेंगे, फंसा दो आज, सब सच्चा भैया। हो गया, रेजिन है वो, ब्लैक पेपर नहीं है। एक चीज और रहेगी ना, जीरा। हाँ ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, राई नहीं खाते लेकिन जीरा खाते हैं, है ना, तो ये जीरा ले लिया जी हमने। और घी नहीं खाते, नहीं घी खाते हैं लेकिन तेल नहीं खाते, लेकिन तेल में भी पीनट ऑयल खाते हैं। ठीक है, तो ये पीनट ऑयल हमने ले लिया, ऐसे मत देखिए मेरी तरफ। हाँ ये हम पूरा यहां पर बैठ के पंचायत लगा चुके हैं उस बारे में, समझे आप। और ये कभी भी तेल अगर कच्चा है तो उसमें से इतना धुआं निकलेगा, टेंशन ना ले। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर ने तेल जला दिया है। हाँ कच्चा मूंगफली का तेल होगा तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। जीरा मैं भूल गया था ना, तो अलग से चटकाना पड़ेगा। अच्छा पीछे से भाई ये बोला जा रहा है, रणवीर कड़ी पत्ते ने क्या पाप किया, कड़ी पत्ता तो खाते हैं। तो जी लो कड़ी पत्ता, ठीक है जी, ठीक है फिर। देखो देखो उन्हें व्रत का नमक नहीं रखा, ये वो खड़े होकर देख रहे सारे, नहीं रखा ना, तो मैं मिलाऊंगा आपको, मैं सारे खुफिया जितने ये सब बैठे मजे लेने के लिए, इधर 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 पास आइए। हाँ देखिए तड़का जो है वही मोनोपोली है, जिंदगी हो या खाना, तड़का जरूर है लगाना। किचन लेसन्स आर लाइफ लेसन्स। देखो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा, अगर मूड अच्छा नहीं है तो खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है ना, दैट इज व्हाई ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू क्रैक अ जोक। आ गया व्रत का नमक पीछे से
स्मगल होके, ये आ गया जी। व्रत का नमक या सेंधा नमक, सेंधा नमक बोलते हैं ना, सेंधे नमक को सेंधा नमक क्यों बोलते हैं? कितने लोग हैं देखने वाले? तभी अगर 2000 से ज्यादा होंगे तभी बताऊंगा मैं, अभी 1900 है, सॉरी मैं नहीं बता सकता। करो फोन अपने पड़ोसियों को, बोलो करेंगे ज्वाइन लाइव। सेंधा नमक को सेंधा नमक इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस सॉल्ट इज माइंड, हाँ, इसकी खदानों से निकलता है और खदानों में सेंध लगाई जाती है। जैसे वो सेंध लगाते हैं ना खड्डा, ऐसे करके सेंध लगा के निकालते हैं इसको। दूसरा, सेंधा नमक इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज सिंधु घाटी यानी कि हिमालय में बहुत मिलता है, तो सिंधु नमक भी बोलते थे इसको, जो कि प्रॉबली सेंधा हो गया धीरे धीरे। दोनों एक्सप्लेनेशन सही भी हैं, लेकिन मेरे को वो सेंध लगा के निकालने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे पहले वो बोलते थे अरे उसके घर पे सेंध लगा ली, सामान चोरी कर लिया, वैसे वाला। देखो 2000 लोग नहीं हुए इकट्ठे, मैंने फिर भी बता दिया। ओए हो गए 2000, मतलब आप लोगों ने पड़ोसियों को कर दिया फोन कि लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, गुड जॉब। देखो ये मामला रेडी है अभी, ये ठीक है। अभी इस मामले को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा मूड, एज यूजुअल मैंने अपना मूड चेंज कर लिया। क्या होगा मेरा, पहले मैं सोचा इडली बना लूं, फिर मेरे को लग रहा है अब इतना अच्छा अगर मामला बना है तो ढोकला बना देता हूँ, चलेगा ना? लाओ भाई ढोकले वाली ट्रे दो, इसी के अंदर थी ना। हाँ देखो पीछे पूरा तहलका मच गया। ये आ गई ढोकले वाली ट्रे। ठीक है, तुमने सबको लाइटिंग भी दिखा दी तो है, बताओ। एनीवेज मूविंग ऑन, ठीक है। अब जो है इसमें डालना है इनो या बेकिंग सोडा, हमारे पास दोनों है। व्रत में इनो और बेकिंग सोडा दोनों खाया जाता है, इसलिए हम यूज करेंगे इनो। ठीक है, ये इधर इनो के अंदर डाला तेल। तेल क्यों डाला? तेल इसलिए डाला ताकि तेल जो है वो कण कण उसका इनो के रोम रोम में बस जाए, यानी कि इनो का जो, ये देखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ इनो गेट्स कोटेड विद ऑयल, हियर यू आर। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इनो जो है, क्योंकि उसके ऊपर तेल है, सीधा एसिड के टच में आकर एकदम से नहीं फूलेगा। वो तेल जो है वो जो इनो के उठने को थोड़ा स्लो कर देगा ताकि आप उसे कंट्रोल कर पाए। इट्स अ गुज्जू ट्रिक, गुजराती ट्रिक है, ऑलवेज ऑलवेज वर्क्स। इनो बगैर तेल में मिक्स किए डालते ही नहीं, ठीक है। यहां पर मैं एक बोल और गंदा करूंगा। ये हमारा बैटर गया इसके अंदर, अब इस बैटर में गई दही, ठीक है जी। दही खाते हैं ना व्रत में, ये देखिए एक चम्मच और दो चम्मच, मात्र दो चम्मच, ठीक है। ये जो है पिसने के बाद 2 घंटे से रखा हुआ है तो थोड़ी खटास इसके अंदर ऑलरेडी आ गई होगी, तो इसलिए दही ज्यादा नहीं डाला वरना ज्यादा खट्टा हो जाता। अब जी इसके अंदर डालना है ये अपना तेल वाला इनो। फोटोग्राफी बड़ी अच्छी हो रही है अपनी, मैं देख रहा हूँ ना, आप ये देखिए साइड में अपना, इसे बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, है कि अपने आप को कैमरे में देखने का मेरे को इतना शौक है, मैंने सामने रखा हुआ है। नहीं नहीं वो मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कमेंट कमेंट क्या आ रहे हैं, ऐसे बेइज्जती नहीं करनी। चलो होते हैं ना कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस मेरे जैसे, जिन्होंने फोन के स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर भी अपनी फोटो लगाई होती है। ये लीजिए, पास आइए, दिखाइए ना, उसका फ्रॉथिंग हो रही है।
हाँ जी, ये देखिए तीनों जो अपना काम कर रहा है ना। अब ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी इसके साथ, ज्यादा फायदा नहीं उठाना है इसका, ठीक है? इसलिए ऑयल लेना है या आप घी भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से लगा लेना है। गड्डी जानती छलांगा मारती, ये ली हुआ। अभी इसके बाद इसके अंदर डालना है अपना बैटर। ये हुआ, अभी ये लेना है और बगैर हाथ जलाए हुए, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, इसको ऐसे बैठा देना है। बैठ गया। अभी लगाना है ऊपर से ढक्कन और लेना है प्रभु का नाम, ठीक है जी? और प्रभु का नाम लेते लेते वो बना लेते हैं थोड़ी सी मैरिनेशन। मैरिनेशन बहुत सिंपल है जी। देखिए ये है टंगा हुआ दही, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस टंगे हुए दही के अंदर कुट्टू का आटा थोड़ा भून के डाल सकते हैं ताकि थिकनिंग आ जाए। ठीक है जी। अरे वो नाइफ का दूसरा वाला सेट लाओ, थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं, लकड़ी वाला। सब लोग बोलते रहते रणवीर तेरा नाइफ, तेरा नाइफ। ये देखो जी, ये है हमारे नाइफ का सेट, विक्टोरिनॉक्स स्विस क्लासिक, ठीक है? और ये वाले जो, ये जो नाइफ है जिसके ऊपर साइन है, हम बहुत सारे गिफ्टों में भी देते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आप बारी बारी देखेंगे, हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं और कई बार ये जो हमारा साइंड सांतोकू है, दिस ऑल्सो गोज एज अ गिफ्ट समटाइम्स, ठीक है जी? और दूसरा वाला जो नाइफ है, जो आप अगले कुछ वीडियोज में देखना शुरू हो जाएंगे, वो भी शो ऑफ कर देता हूँ मैं। देखो मैंने वो खाई ना मूंगफली, गले में अटक गई। ये जो है, ठीक है जी, मिंट और पुदीने का पेस्ट, मिंट और पुदीने का पेस्ट। अब अगर मैं इसको इडली टिक्का बनाता तो बेस यही होता, लेकिन उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालता, उसके अंदर थोड़ी लाल मिर्च डालता, उसके अंदर थोड़ा सरसों का तेल डालता। लेकिन अभी क्योंकि व्रत के लिए, सिर्फ मिर्च और पुदीने का पेस्ट, भुना हुआ कुट्टू का आटा और थिकनिंग के लिए आप ग्राउंड पीनट्स भी डाल सकते हैं, सफेद वाली मूंगफली का पाउडर। हाँ दिखा दो। ये है जी हमारा नेक्स्ट कलेक्शन, तो इसके बाद आपको दिखने वाला है वीडियोस में। ये भी स्विस क्लासिक है, लेकिन ये वॉलनट वुड जो है, अखरोट की लकड़ी के हैंडल बनवाए हमने, देखिए। हाँ तो लोग पूछते रहते हैं ना, रणवीर तेरी नाइफ कौन सी यूज करता है, तो यही है जी बस, विक्टोरिनॉक्स स्विस मॉडर्न, ठीक है जी? ये लो जी, ये है वॉलनट वुड हैंडल जो शो ऑफ कर रहे हैं हम। अब वापस आ जाते हैं रणवीर, बरा सिचुएशन भापते हैं। हाँ आइए दिखाइए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, अच्छा सा शॉट मिलना चाहिए, वरना क्या फायदा। ये देखिए, ये लग रहा है ना एकदम, मामला गंभीर, गंभीर इन अ गुड वे, वैसा वाला गंभीर नहीं, डरावना वाला गंभीर नहीं, ठीक है जी? ये हो गया, अभी सब कुछ हो गया, अभी कुछ नहीं करना। अभी थोड़ा लेना है भुना जीरा। भुना जीरा क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास टाइम है और कुछ करने को है नहीं। तो ये होता है प्लस, जब आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, जो 2-4 मिनट बच जाते हैं ना बीच में, बस जब मास्टर शेफ में पार्ट लोगे तो ये ट्रिक याद रखना, 2-4 मिनट अगर बच गए बीच में तो उसको यूज करना अपनी डिश को एकदम 5 सितारा बनाने के लिए। जैसे भी भुना जीरा, 2,200 लोग देख रहे हैं भाई, ना 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 ना, वेरी गुड, ठीक है जी? भुना जीरा और वो रोलिंग पिन और बटर पेपर में बाद में उसको कर लेंगे ना। फैंटास्टिक, बटर पेपर,
नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, चीजों को ऐसे भूनता हूँ, लेकिन कभी भी जीरा, काली मिर्च या मसाले भूने तो उसको ऐसे टॉस ना करें, पास्ता नहीं है वो, इसलिए क्योंकि आप जो उसकी भुनाई है वो सरफेस पे होती है, तो उसको जितना आप सरफेस के इन टच रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है जी, सो प्लीज कीप इट इन टच विद द सरफेस। ये देखिए बटर पेपर आ गया, थोड़ा सा वरद का नमक, लो ब्यूटीफुल हो गया ये। और यहाँ पे हमारे बेलन सिंह पड़े होंगे ये, नॉर्मली भी जोर लगा सकते हैं, मेरे जैसी गंदी सी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है जी, ये अपना भुना जीरा गार्निश के लिए भी रेडी हो गया, लगे हाथ, समय का सही सदुपयोग। अरे राम तेरी माया। हेलो, ये लो जी, ठीक है, कुट्टू का ढोकला उर्फ इडली भी आप इसी बैटर से बना सकते थे, ठीक है ना। फैंटास्टिक, देखिए अब आप दो काम कर सकते हैं, एक तो कि इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ठीक है, ताकि हैंडलिंग में इजी हो जाए, इसको डाल दीजिए फ्रिज में। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि मेरी तरह बेसब्रे हो के बस पलटी मारिए और खा पी के साइड हो जाइए, आपकी मर्जी है। ब्यूटिफुल, एंड लाओ भाई नाइफ, बेइज्जती करानी होती है इसमें। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, जैसे ही ठंडा किया वैसे फटाफट निकल जाएगा, इसको डाल देते हैं फ्रीजर में, ये फ्रीजर में डाल दो और थोड़ी कर लेते हैं सफाई, और तब तक ले लेते हैं सवाल। हाँ वो क्या था, व्रत में आप क्या क्या खाते हैं वो वाला। ओके जी, लाओ बैठ जाते हैं, कुर्सी दे दो आराम से, शांति है रही कुर्सी। थोड़ा धनिया, ओके, इनो में मैंने भाई वही तेल डाला है जो आप व्रत में खाते हैं, आप जो व्रत में खाते हैं वो तेल डाल दीजिए, धनिया डाल दो, धनिया तो भाई डालेंगे लास्ट में, उसकी टेंशन मत लो। हाँ नाइस सेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विक्टोरिनॉक्स इज वेरी काइंड, दे गिव अ लॉट ऑफ फ्री, लॉट ऑफ गिव अवेज, तो वो भी करेंगे। अरे ये तो बताइए कि आप व्रत में क्या क्या खाते हैं, यहीं पे थोड़ा क्लियर हो जाए, सरपंची हो जाए इसमें। बकलावा और खुराफा कब बनाओगे आप? जब मैं दुबई जाऊंगा तब, वहां पे किसी शेफ को पकड़ूंगा, अच्छे से ओरिजिनल चीज दिखाऊंगा आपको, ठीक है, झटके वाला काम नहीं करना हमने। तीनों में कौन सा तेल डाल सकते हैं, जो आप व्रत में खाते हैं वो डाल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, साबूदाना खिचड़ी एंड दही, साबूदाना खिचड़ी तो हम बना चुके हैं, यार ये तो बार रिपीट ही हो रहा है। मिर्च का हलवा, हाँ मिर्च का हलवा,
स्टार्ट मिस कर दिया आपने, कोई बात नहीं, स्टार्ट में हमारी माइक भी नहीं चल रही थी, इट्स ओके। सार्थक, ओहो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, इसको तो अनाउंस करना चाहिए जोर से। ये कहाँ गया? जसजीत कौर कह रही है, शेफ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, मेरे प्री बोर्ड भी है मंडे को, बट मेरे को आपका लाइव भी देखना था, अब मैं क्या करूं? देखिए, पढ़ाई कर लीजिएगा लाइव देखने के बाद, ठीक है? नंबर कम आए तो साथ में रणवीर की बेइज्जती हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में, वो नहीं चाहिए अपने को। हाँ, ओनली फ्रूट्स खाते हैं सिर्फ। व्रत में किसी तरह का कुक्ड फूड ही नहीं अलाउ होता, देखा मुझे, वाह। ये देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पूरी चौपाल बैठानी चाहिए कि व्रत में किसी तरह कुक्ड फूड अलाउड ही नहीं होता। अचार, अचार बहुत बढ़िया बनाया, पनीर परोठे की रेसिपी के साथ हमने बनाया आम का इंस्टेंट अचार। अंशु जी कह रही है, हम भी लखनऊ, अरे अंशु जी हम भी लखनऊ से हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लखनऊ वाला ना मिले। हाँ, जो मर्जी ऑयल यूज करिए। ये देखो व्रत, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है अंकुर, व्रत में नॉनवेज प्याज और लहसुन छोड़ के सब खा सकते हैं, टेंशन ही मुकाओ। बिल्कुल सही है, फैंटास्टिक ब्रदर। डोमिनोज गार्लिक ब्रेड, अच्छा वो आपको रेसिपी देखने, मुझे लगा आप व्रत में खाते हैं। मुझे आईटीएम करने की इच्छा है, कौन सा वाला अच्छा है? तक्ष मेहता, तक्ष मेहता जी, आईटीएम जो है वो आपका ठेले पे पड़ा हुआ आम नहीं है कि कौन सा वाला अच्छा है। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, तब आपको चॉइसेस मिलेंगी, तब हम बात करेंगे, ठीक है? कौन सा वाला अच्छा है, नहीं कौन सा वाला अच्छा अच्छा है। ओ, शुरू करो जी, हो गया ठंडा, लाओ फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। वही मजा, यथार्थ देसाई, आपको शाउट आउट चाहिए था, लीजिए, मैंने चिल्ला चिल्ला के आपका नाम बता दिया। ये देखो फिर बोल रहा है तक्ष, मुझे आईटीएम करना है, कौन सा वाला अच्छा है? ओ प्रावा, लड्डू नहीं है केड़े के, मोती चूर खाने हैं के बेसन से खाने हैं? हाँ, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम डिस्कस करेंगे। एगलेट ऑमलेट, एगलेस ऑमलेट दिखाना था अच्छा आपको व्रत में। ओहो, एगलेस ऑमलेट बनाया हमने, पूरन पोली आंटी, स्टूडियो टूर, स्टूडियो के में ऐसा क्या टूर है? आप तो मतलब आपको लगता है कि देखो भाई, ये है हमारी एक दीवार, इनसे मिलो, ये खिड़की है हमारी, खिड़की नंबर वन, ये है हमारा सिंक है, ये सिंक के बगल में ये हमारी बर्निया है, ये हमारे कश्मीर के बर्तन है, ये हमारी पेंटिंग है, रैक है, ये हमारा वो है, यहाँ पर हम शो पीसेस लगाते हैं, ये हमारा अवन है, और स्टूडियो मतलब टूर हो गया, ये पीछे हमारी किताबें रहती हैं, इसके अंदर हम अपने मतलब का, जो हमारे को समझ नहीं आता क्या करें, वो फालतू का सामान डाल देते हैं, ठीक है? ये हमारे शो पीसेस हैं, मतलब के बर्तन हम ये नीचे रखते हैं इसके अंदर, ये देखो, ठीक है जी? बस इसमें सब बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं, पीछे ये हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमारा बाहर निकलने का दरवाजा है, पीछे लाइट भी जलती है कई बारी, ये हमारी एक और दीवार है, और ये हमारी एक और दीवार है, ये हमारा हो गया स्टूडियो टूर अभी, और यही है। आई एम रियली सॉरी, बट आपको लगा होगा रणवीर पता नहीं है, फिल्म फिल्मिस्तान में नहीं शूट करते हम, आया था छोटा था अपना स्टूडियो बनाया हुआ। हाँ, लखनऊ में लाइव शो करिए, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? ये तो भाई, इसको इसको तो 26 जनवरी को हाथी पर बैठाना पड़ेगा। विवेक बिष्ट, धनिया डाल दो सर, धनिया, विवेक डालूंगा धनिया भाई, ऐसे नहीं जाऊंगा घर बगैर धनिया डाले। चलो कैमरा पलटते हैं और जिंदगी की गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। ये लो, हो गया ना लाइफ सिंपल, कसम से। इन्होंने, तुम लोगों ने क्या खाली इसको वो किया था हॉलो? नहीं किया ना, ऐसे ही ठंडा होने में क्या होता है,
बेसिक साइंस है, जरा शक्ल दिखा दीजिए हमारी। हाँ बेसिक बेसिक साइंस है, जब कोई चीज ठंडी होती है तो श्रिंक होती है, राइट। जब कोई चीज श्रिंक होगी तो क्या होगा, वो प्लेट को छोड़ेगी या यू नो इट लीव द साइड्स। तो बेसिक साइंस है, कभी भी किसी भी चीज को ठंडा करेंगे तो वो श्रिंक होगी, श्रिंक होकर साइड्स छोड़ेगी, आसानी से उतरेगी। और इसमें कोई वो मतलब जलवा नहीं। ये देखिए साइड से दिखाइए, क्या एकदम खूबसूरत आइटम बना ये, ठीक है। देखिए हमें पहले लग रहा था कुछ और बनाए, लेकिन अब हमें लग रहा है कुछ और बना देते हैं। ये हमारी लाइफ की बहुत बहुत भयंकर सी प्रॉब्लम है, शुरू कहीं से होते हैं पहुंच कहीं जाते हैं। अच्छा फिलहाल ये टेक्सचर देख लीजिए, क्या एकदम फर्स्ट क्लास टेक्सचर है, दिख रहा है ना बराबर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, अब इसमें जो हल्की सी मिठास है किशमिश की, फिर वो नटीनेस है मूंगफली की, फिर वो किक है ग्रीन चिली की, फिर वो खुशबू है कड़ी पत्ते की, फिर वो लालच है जो मुझे आ रहा है, वही इसकी मोनोपोली है। मैं जरा पैन चेंज करता हूँ, मूड चेंज हो गया ना। हेलो, ठीक है जी। अब ये जो हमने बनाया है इसको कर लेते हैं अपने मैरिनेशन से मैरिनेट। अब मैरिनेशन से मैरिनेट ही करेंगे रणवीर। हे भगवान, अभी भी 2000 लोग देख रहे हैं, कोई नहीं क्या? अच्छा अभी आईपीएल नहीं आया ना। एक तो आईपीएल के चक्कर में आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखना बंद कर दिया, हमारे व्यूज डाउन हो गए, पता है कुछ? आईपीएल तो ठीक है, हमने क्या पाप किया है, हम तो लगे रहते ना सुबह से शाम। क्या बढ़िया मैरिनेशन बनाया, शाबाश। देखो ये एकदम पैन को जड़ तक गरम करना है, ये हमारी होटल वालों की भाषा है, जड़ तक गरम करना है। इसके बाद में डालना है जो करे मान अप्यो वो करे देसी क्यों, पर पास आइए। देखिए तो ये बारा डायरेक्शन भी करना पड़ता है साथ में, बताओ। देखिए यही वक्त है जब मैं अपनी घरवाली पे थोड़ा वो अपना जोर चला लेता हूँ, जब कैमरा लाइव होता है क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती हो। बस यही 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 बस मेरे, दीज आर माई 2 मिनट्स ऑफ ग्लोरी जो हमारी सुनी जाती है। चलो एनीवेज मूविंग ऑन, क्या बेफालतू है सब चीजों में, क्या रखा है, घर जाके तो जूते खाने हैं। चलो ये भाई धनिया, हाँ धनिया है ना, बस बस बढ़िया सी प्लेट दे दो, प्लेटिंग के लिए कुछ लंबी लंबी, मजा आ जावे। ठीक है जी, कहाँ गया हमारा पैचुला? देखिए ये नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि आप पलटेंगे नहीं इसको, है ना, ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास स्पैचुला नहीं है, हम कैसे पलटेंगे। फिर बाप रे, 34 मिनट से खाना ही बना रहा हूं।
ब्यूटीफुल। एकदम घी में कर लीजिए मामला लवा लब और प्लेटिंग की कर लीजिए तैयारी। देखिए आम तौर पे मैं जब लाइव कुकिंग करता हूँ तब प्लेटिंग थोड़ी खतरनाक करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिखती है। एक और दे, क्योंकि आपको दिखता है कि यार ये डिश देखो रणवीर ने ऐसे ऐसे खड़ी कर दी। जब वीडियो बनाता हूं तो मैं प्लेटिंग सिंपल रखता हूँ। हाँ तो अभी मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेके थोड़ी सी ऐसे शेफों वाली प्लेटिंग करूंगा। पहले से ही एडवांस में सॉरी बोल रहा हूं। थोड़ी सी शोबाजी वाली प्लेटिंग है ये। थोड़ा नींबू, नींबू तो खाते हैं ना व्रत में। आप लाइट काट रहे हो ये। अगर आपको ज्यादा एकदम उसको क्रिप्सी करना है तो उसके लिए ये तो डाल दें भाई थोड़ा टोस्टेड पीनट। ठीक है ना, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। छलावे का छलावा, दिखावे का दिखावा, खाने का खाना। नॉर्मली मैं शो ऑफ नहीं करता, देखो वीडियोस में नहीं करता ना शो ऑफ। यहाँ पे मैंने कहा आपको दिख रहा है ना प्रोसेस तो आपको मजा आएगा। अभी क्या, हाँ कच्चा मूंगफली का तेल, क्योंकि इतना यूज किया है तो फ्लेवर ऐड करेगा। फैंटास्टिक। अभी ये थोड़ा लाइफ में थोड़ा घूमना घुमाना अच्छा है तो इसको भी घुमा देते हैं। थोड़ा टॉपिश, हाँ ये थोड़ा ज्यादा बीच में आ गया, इसको थोड़ा साइड करते हैं और एक धनिया और डालते हैं बीच में, ब्यूटी बढ़ जाएगी इसकी। ये तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और हमने कितनी देर में लाइव खत्म किया? 35 मिनट में हम एक डिश बना के साइड हो चुके हैं लाइव में, मूंगफली मूंगफली खा के। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आज नो वीडियो इज इक्वल टू लाइव। तो क्या आप ये कभी कभी करना चाहते हैं, नो वीडियो इज इक्वल टू लाइव? तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको नो वीडियो इज इक्वल टू लाइव वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो भी चाहिए और लाइव भी चाहिए तो भी लिख दीजिए। हम करें या ना करें क्या फर्क होता है, लिख दीजिए।
जाओ एक बार सेल्फी लेके, सेल्फी कैमरा कर देता हूँ सेल्फी। तो ये जो लेट आए हैं उनके लिए विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये कि हमारा आरबी स्टूडियो केंद्र है, ये हमारी पल्टन है, ये यहाँ ये शर्माती हुई, ये हमारे कैमरा पर्सन है और ये हमने जो आज खाना बनाया है वो है, ठीक है ना। हाँ जी, ये और ये मैं हूं। हिमांशु ले लिया आपका नाम भाई, ऐसे किसी का नाम नहीं लेंगे हम, पहले सारे वीडियो शेयर करो जाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, प्लीज टेक केयर। बहुत 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 मोहब्बत है आपसे, आप हैं तो मैं हूं, दैट इज द बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ये जो इतना हम चौड़े हो रहे हैं अपना स्टूडियो वूडियो ये वो करके, सिर्फ आपके प्यार की वजह से और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, आई एम नथिंग विदाउट योर लव, कीप द लव गोइंग एंड शेयर द लव। शेयर करिए वीडियोज को दूसरों के साथ, शेयर करिए रेसिपीज, खाना बना के शेयर करिए, और खाने को एक बड़ा मकसद दीजिए अपनी जिंदगी का यूज। अगर आपने मुझसे कुकिंग सीखी है, अगर आपने मेरे कारण कुकिंग सीखी है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि रणवीर हमने आपसे कुकिंग सीखी है, हमें बिल्कुल बनाना नहीं आता, अगर आपने मुझसे कुकिंग सीखी है तो हर महीने कुछ भूखों को खाना जरूर खिलाइए, आपकी कुकिंग में और इजाफा होगा, आपके हाथ में और टेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, ये सेवा यहाँ समाप्त कर देते हैं अब। थैंक यू।